हेलो लियो, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। अगर आपकी राशि लियो है यानी सिंह राशि है तो चलिए देख लेते हैं अप्रैल मंथ में यानी अप्रैल 2023 में आपके लाइफ में क्या क्या होने वाला है। सो ये रीडिंग जनरल है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो आप सभी से देख सकते हो और सन के ऊपर बेस्ड हो या फिर मून के ऊपर। अगर आप अपने दिल से मन से खुद को लियो मानते हैं यानी सिंह राशि के मानते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। और आपका एज कुछ भी हो, आप किसी भी धर्म या फिर जाति से बिलोंग करते हो, कोई समस्या नहीं है। आप इस रीडिंग को आराम से देख सकते हैं। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो आपको फ्री माइंड होकर रीडिंग को देखना है, पॉजिटिव रहकर रीडिंग को देखना है, नेगेटिव चीज़ों को एकदम से नहीं सोचना है। यहाँ पर है एट ऑफ कॉइन्स, ओके, और द व्हील ऑफ फॉर्चून, वाओ, सिक्स ऑफ कॉइन्स, पेज ऑफ कप्स, बहुत अच्छी एनर्जी है, क्वीन ऑफ कप्स, ओके, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। सो बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। यहाँ पर है एट ऑफ वांड्स, तो इस टाइम पर आप कुछ चीजों को लेकर पैशनेटली एक्शन लेना चाहोगे, पर वो काम यहाँ पर कुछ हद तक ही हो पाएगा, यानी पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हो पाएगा। यानी सपोज मान लीजिए आप कोई एक डिश पकाओगे, खाना पकाओगे, तो इस टाइम पर उसके लिए आप सब्जी वगैरह काटते हुए दिख रहे हो, मसाला वगैरह इंग्रेडिएंट्स को आप जुगाड़ करते हुए दिख रहे हो, पर उसी टाइम पर शायद आपका गैस ख़त्म हो गया तो खाना नहीं पक पाया, ओके, तो काम आधा अधूरा ही हो गया। तो ऐसा ही कोई एक सिचुएशन इस टाइम पर आपके लाइफ में बनती हुई दिख रही है मुझे। यहाँ पर कौन कौन से राशि हैं मैं बता देती हूँ। यहाँ पर वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस हैं, अर्थ साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हैं, फायर साइन एरिस लियो सैजिटेरियस हैं, और यहाँ पर एयर साइन जिमना लिब्रा एक्वेरियस हैं, ओके। चलिए देख लेते हैं अप्रैल मंथ के 1 से 10 तारीख के अंदर आपके लाइफ में क्या क्या होने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हो एट ऑफ कॉइन्स है, यहाँ से मुझे दिख रही है इस टाइम पर आप किसी एक चीज़ को लेकर, आपके करियर के साइड से भी हो सकता है, लव लाइफ के साइड से भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाते हुए दिख रहे हो। यानी वो काम जैसे कि मैंने आपको बॉटम ऑफ द डेक से देखकर बताया, ओके, अगर कोई एक काम को आप बहुत ज़्यादा शिद्दत से करना चाहते हो और वो काम एकदम से बीच में जाकर रुक जाती है किसी भी वजह से, हो सकता है तो डेफिनेटली आपको बुरा लगेगा। आप जैसे तैसे भी करके बहुत ज़्यादा कोशिश और करते हुए दिख रहे हो उस काम को कंप्लीट करने के लिए, तो आपका जो शिद्दत है वो यहाँ पर एकदम से बढ़िया दिख रही है मुझे। आप किसी भी तरीके से हार नहीं मानने वाले हो इस टाइम पर, जैसे भी करके आपको इस काम को कंप्लीट करना है, ओके। आप यहाँ पर देख सकते हो ये जो लड़की है इसके हाथों में ये चुभ रहा है, ये रो रही है पर फिर भी इसको नहीं छोड़ रहा है, ओके। विल पावर इस टाइम पर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनती हुई दिख रही है आपका। और यहाँ पर आप देख सकते हो पेज ऑफ कप्स है, तो टाइम पर आपका जो मेहनत है, आपका जो एफर्ट है, उसका फल आपको इस टाइम पर मिलने वाला है। इसके हाथ में जो कटोरा दिख रही है ये आपका विश का फुलफिलमेंट है, ओके। आपका जो भी मैनिफेस्टेशन है, आपका जो भी विश है, वो यहाँ पर फुलफिल होता हुआ दिख रहा है, ओके। और इससे आपकी लाइफ में एक फ्रेग्रेंस आती हुई दिख रही है। आप इस टाइम पर बहुत ज़्यादा खुश महसूस करते हुए दिख रहे हो, लाइट महसूस करते हुए दिख रहे हो, आपको इस टाइम पर बहुत ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। हो सकता है ये खुशी आपको इस तरफ से ना मिले, यानी इसका आउटकम आपको इस टाइम पर ना मिले, पर दूसरे साइड से कुछ खुशियाँ आपके पास आ सकती हैं, ओके। आप यहाँ पर देख सकते हो कुछ एरिया हैं, कुछ ब्लॉकेजेस हैं जो आपके लाइफ में इस टाइम पर क्रिएट होने वाला था पर नहीं क्रिएट होगा। यानी यहाँ पर डिवाइन का ब्लेसिंग्स बनती हुई दिख रही है मुझे, ओके। बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। और आपके लव लाइफ में इस टाइम पर रोमांस बनती हुई दिख रही है, यानी इस टाइम पर आप एक रोमांटिक पर्सन भी बनते हुए दिख रहे हो। और चलिए देख लेते हैं अप्रैल मंथ के 10 से 20 तारीख के अंदर क्या होने वाला है। यहाँ पर आप देख ही सकते हो द व्हील ऑफ फॉर्चून है, डेफिनेटली इस टाइम पर आप बहुत ज़्यादा खुश होते हुए दिख रहे हो और आपकी लाइफ में कोई एक नेगेटिव साइकिल एंड होता हुआ दिख रहा है और एक पॉजिटिव साइकिल स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है। और ये जो मकड़ी का जाल आप देख पा रहे हो, इसमें आप बहुत टाइम से फंसे हुए थे, आप किसी एक सिचुएशन में बहुत टाइम से स्टक थे, आपको समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरफ जाए, क्या करे, या फिर हो सकता है आपके हेल्थ में कुछ इशू था, या फिर आपका हेल्थ बहुत टाइम से बिगड़ा हुआ था, आपके हेल्थ में सुधार नहीं आ रही थी, कुछ ना कुछ एक के बाद एक लगा हुआ था, ओके। तो उस सिचुएशन से भी आप इस टाइम पर बाहर आते हुए दिख रहे हो। आप यहाँ पर देख सकते हो इतने सारे हाथ पैर आपका निकलने वाला है इस बंधन को तोड़ने के लिए, यानी इससे बाहर आने के लिए, यानी इस टाइम पर आप फ्री होने वाले हो एकदम से, आपका दिल
फ्री होता हुआ दिख रहा है, लाइट महसूस करता हुआ दिख रहा है, अनलिमिटेड पॉजिटिविटी का सोर्स आपको इस टाइम पर मिलता हुआ दिख रहा है, कुछ गुड न्यूज़ आपको इस टाइम पर मिल सकता है, कुछ इन्विटेशन इस टाइम पर आपके पास आ सकता है, आपका शादी तय हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ओके। और आपके घर में इस टाइम पर कुछ खुशहाल सिचुएशन भी क्रिएट हो सकता है, कुछ पूजा पाठ भी आप रखवा सकते हो, कुछ पॉजिटिव स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ भी यहाँ पर मुझे दिख रही हैं ओके। और यहाँ पर है क्वीन ऑफ कप्स, तो इस टाइम पर आपका इमोशनल सेटिस्फेक्शन तो ज़रूर से ज़रूर होने वाला है, क्योंकि इस टाइम पर आपका एक विश फिर से पूरा होता हुआ दिख रहा है। इस टाइम पर आप किसी को कोई ऑफ़र दे सकते हो या फिर कोई इंसान आपको ऑफ़र दे सकता है, आपके करियर के साइड से भी हो सकता है, आपके लव लाइफ के साइड से भी हो सकता है। और इस टाइम पर एक अपॉर्चुनिटी बिल्डअप होती हुई दिख रही है, एक अपॉर्चुनिटी ऐसा क्रिएट होता हुआ दिख रहा है आपके लाइफ में जिससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। आपका जो इमोशन है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो करती हुई दिख रही हैं, आप इस टाइम पर बहुत ज़्यादा मूडी बनते हुए दिख रहे हो, मनमानी करते हुए दिख रहे हो एक क्वीन की भांति ओके। और बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव होने वाले हो, इस टाइम पर आप किसी की भी बात नहीं सुनने वाले हो, एकदम से अपने मन की बात ही सुनते हुए दिख रहे हो और अपने मन से सोच विचार के कोई एक डिसीजन लेते हुए दिख रहे हो, एक्शन लेते हुए दिख रहे हो। और चलिए देख लेते हैं कि अप्रैल मंथ के 20 से 30 तारीख के अंदर आपके लाइफ में क्या क्या होने वाला है। डेफिनेटली आपके अच्छे कर्मों का कुछ फल इस टाइम पर आपको मिलेगा, या आपके पास्ट लाइफ से भी रिलेटेड हो सकता है या फिर आपके इस लाइफ से भी रिलेटेड हो सकता है, तो डिवाइन आपको कुछ रिवॉर्ड देना चाहते हैं ओके। तो इस टाइम पर कुछ अच्छी चीज़ें आपको देखने को मिलेगा, कुछ अचानक से यानी सडन वे में आपके पास कुछ अबंडेंस आती हुई दिख रही हैं, कुछ पैसा आपको मिलता हुआ दिख रहा है, यानी आप सोच भी नहीं सकते हो कि इस तरफ से ये चीज़ आपको मिल सकता है, एकदम से मिरेकल सा लगेगा, जिसके दौरान ही आपका जो हार्ट है वो एक्साइटेड होता हुआ दिख रहा है, आप बहुत ज़्यादा खुश होते हुए दिख रहे हो ओके। सो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, और इस टाइम पर आप किसी इंसान को हेल्प भी कर सकते हो या फिर अदर नेचर के कुछ जीव को भी आप इस टाइम पर हेल्प कर सकते हो ओके। सो प्रॉब्लम से आप खुद निकलते हुए दिख रहे हो, या फिर किसी इंसान को या फिर किसी जीव को आप प्रॉब्लम से निकालते हुए दिख रहे हो, कुछ भी हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी भी मुझे दिख रही है। और यहाँ पर है पेज ऑफ स्वर्ड्स ओके, तो इस टाइम पर आप एक न्यू बिगिनिंग का वेट करते हुए दिख रहे हो, आपके दिल में किसी एक चीज़ का होप दिख रही है मुझे, आपके चेहरों पर कुछ चमक दिख रही है मुझे इस टाइम पर, यानी आपको पता होगा कि आने वाले टाइम में आपके साथ क्या होने वाला है, आपके लाइफ में क्या क्या आने वाला है ओके। सो इस टाइम पर ऑप्टिमिस्टिक वे में ही आप वेट करते हुए दिख रहे हो, और आपके लाइफ में बहुत जल्द एक न्यू बिगिनिंग आप देख पाओगे, और इस न्यू बिगिनिंग के लिए आपके लाइफ में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन भी आएगा, कुछ चेंजेस भी आएगा जिसको आपको पार करके उस न्यू बिगिनिंग तक पहुँचना है। आपका जो इंट्यूशन है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होता हुआ दिख रहा है, आपका जो मन है वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली एक्टिव होता हुआ दिख रहा है ओके। चलिए देख लेते हैं अप्रैल मंथ का एक ओवरऑल कार्ड। वाओ, सो यहाँ पर है टेम्परेंस, शिव शक्ति का कार्ड आ गया है। सो डेफिनेटली इस टाइम पर आपके लाइफ में बैलेंस तो ज़रूर से ज़रूर बनेगा। अगर कुछ चीज़ों को लेकर आप इम्बैलेंसिंग वे में चल रहे थे, स्टेबिलिटी महसूस नहीं हो रहा था आपके लाइफ की तरफ से, तो इस टाइम पर आपके लाइफ में स्टेबिलिटी बनती हुई दिख रही है, बैलेंस आता हुआ दिख रहा है, कुछ चीज़ों का परमानेंट सॉल्यूशन आपके पास आती हुई दिख रही है, तो बहुत अच्छी बात है ओके। और इस टाइम पर डेफिनेटली आपके साथ आपकी पर्सन की बहुत अच्छी बनने वाली है, आप दोनों एक दूसरे के मन की बात बहुत अच्छे से समझ पाओगे, यानी आपके लव रिलेशनशिप में भी हीलिंग आती हुई दिख रही है मुझे। अगर आप इस टाइम पर शिव शक्ति की पूजा करते हो, यानी भोलेनाथ या फिर माँ पार्वती की पूजा करते हो या फिर शिव पार्वती का पूजा एक साथ करते हो, तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए ओके। सो यहाँ पर है मिरेकल्स, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो यहाँ पर अप्रैल मंथ में ओवरऑल आपके पास एक मिरेकल आती हुई दिख रही है, एक मिरेकल वाला सिचुएशन क्रिएट होता हुआ दिख रहा है।
तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। अचानक से कुछ चीज़ें बदलता हुआ आप देख पाओगे, अचानक से सडन वे में आपके पास कुछ खुशियाँ आता हुआ आप देख पाओगे, अबंडेंस आता हुआ आप देख पाओगे, कुछ मिरेकल सिचुएशन क्रिएट होता हुआ आप देख पाओगे। यानी बहुत टाइम से अगर कुछ चीज़ें आपके लाइफ में इम्पॉसिबल लग रहा था तो वो चीज़ें यहाँ पर पॉसिबल होती हुई दिख रही हैं। ओके, सो ओवरऑल आपका अप्रैल मंथ बहुत ज़्यादा अच्छा गुजरता हुआ दिख रहा है, पॉजिटिव दिख रहे हैं मुझे। सो बाय।